तो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं बिल्कुल माशाल्लाह। क्योंकि कल हम गए थे साजिया की दवाई लेने के लिए और यह है साजिया जो कि कल दवाई लेने गई थी मेरे साथ। अपने चेहरे की क्रीम लगाई थी, महंगी वाली क्रीम सस्ते में लेके आई थी क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए थे। अब ज़रा ये बताओ कि जब से तुमने क्रीम लगाई है चेहरे को कुछ आराम मिला है या नहीं मिला है? बस ऐसे ही है जैसे पहले था। वैसे एक ही बार तो लगाई है। एक ही बार लगाई है? कल एक ही बार। पर क्रीम तो दो थी। हाँ, तो एक बार रात को लगाई थी, सुबह लगाई मैंने, आज देखती हूँ ऐसे तो कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि खुजली नहीं आ रही मेरे चेहरे पे ना, मुंह धुलने के बाद पानी से। जो तुम ऐसे बोल रही थी कि जलन हो रही चेहरे पे, उसमें थोड़ा बहुत फर्क है या नहीं है? अब नहीं हो रही, अब तो जलन लग नहीं रही बिल्कुल भी ना। अच्छा, जलन खत्म हो गई। तो सुन लिया दोस्तों आपने, जलन खत्म हो चुकी है, महंगी वाली दवाई काम आ गई है। वरना मैं तो ये सोच रहा था पता नहीं प्लास्टिक सर्जरी ही करवानी पड़ेगी क्योंकि साजिया बहुत दिन से बोल रही थी। हाँ, मतलब बहुत दिन से बोल रही थी, मजाक था भाई, मजाक था। बहुत दिन से ये बोल रही थी कि मेरे चेहरे पर जलन हो रही है, कोई क्रीम वगैरह मुझे दिलवाओ, कोई दवाई दिलवाओ। अब मेरे पॉकेट में हो गए थे पैसे ख़त्म, मैं कहाँ से दिलवाता? तो मैंने कहा थोड़ा ऐसे ही देसी इलाज कर लो, पानी वानी से धो लो। ये भी मजाक था, लेकिन फिलहाल अभी साजिया की तबीयत ठीक है, वो कह रही है आराम है। तो मुझे सुन के ये अच्छा लगा कि हाँ चलो आराम तो है कम से कम। तो वैसे हमारा नाश्ता वास्ता हो चुका है। ज्यादा क्यों बोलते हो? ज्यादा नहीं बोलता, तुम कम बोलती हो। ये बताओ तुम कम बोलती हो, ज्यादा बोलते नहीं, जो ज्यादा बोलते है ना। पता है एक भाई साहब तो कमेंट कर रहे हैं कि मैं ज्यादा ओवर एक्टिंग करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ वैसे बोलती हूँ। क्या नाम था उनका? कुछ लोग, एक भाई साहब नहीं, ऐसे कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया पे जो कि कमेंट करते हैं उल्टे सीधे। मतलब कमाल की बात क्या है कि इंतजार करते हैं हमारी वीडियो देखने का। वीडियो आएगी उसे पूरा देखेंगे, देखेंगे पूरा और तब उसमें से कमी ढूंढते हैं। चलो कोई बात नहीं, कमी ढूंढते हैं तो अगर हमारे अंदर कोई कमी होगी तो हमें बोलने का सलीका नहीं आता। कोई बात नहीं, हम अपनी जो है सलीका सुधार लेंगे, धीरे धीरे वक्त के साथ सुधर जाएगा। पर कोई नहीं, हम सलीका सुधारने का उनको जरूरत है जो हमें बोल रहे हैं कि किसी को कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए ऐसे। जो कमेंट करे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। चलो अभी जो है टाइम हो चुका है यहाँ से चलने का। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ दुकान पे क्योंकि मेरा दुकान पे जाने का टाइम हो गया, थोड़ी सी मेहनत मजदूरी कर लूँगा जाकर। दुकान चले जाएंगे लेकिन सब्जी के लिए। और इनको जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने फ़ोन दिया था, इनको समझा देना, मतलब समझाना नहीं है, इनसे फ़ोन लेकर रख देना है, ठीक है? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हाँ, वरना ये अपनी दोनों के दोनों आँख खराब कर लेंगे। देखो दोस्तों ये कैसे रिजाई के अंदर घुस के जो है ना मोबाइल चला रहे हैं। तो मैं बाजार गया था, बाजार से ये सब्जी वगैरह लेकर आया हूँ अभी। तो मैं अभी अभी ये सब्जियाँ लेकर आया हूँ और दुकान से मैंने ये वाली सब्जियाँ खरीद ली है जो कि आज बनेगी। कल हमने सिर्फ खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी से काम चलाया था क्योंकि हम हॉस्पिटल जाने के बाद लेट हो गए थे, तो जल्दीबाजी में हमने खिचड़ी बना ली थी। मैंने नहीं, साजे ने बनाई थी। फिलहाल जो है मैं इसमें है सब्जी और ये दोनों बच्चे जो है अभी इसको जो है ना तबाही मचाने के चक्कर में है। तो ठीक है, बन आलू धनिया टमाटर हाँ उसमें है, बाकी जो भी है तुम्हारा सामान ठीक है। चावल अभी फिलहाल जब मैं यहाँ से गया था तो इन्होंने ये मोबाइल चला रहे थे, अभी ये दोनों जो है मुझे लग रहा है कि खेल रहे हैं, दोनों बच्चे मस्ती कर रहे हैं, एक इधर और एक इधर। तो अब टाइम बच गए लगभग 11:30, खाना बनाने का भी टाइम है। पहले मैंने गर्म पानी लगाया किचन में रॉड में अनाया को नहलाने के लिए क्योंकि इसको 10-12 दिन हो गए। उससे पहले इसकी तबीयत खराब हो रही थी, इसे बहुत तेज बुखार हो रहा था तो हमने इसे नहलाया नहीं था। अब ये ठीक है तो अब मुझे इसे नहलाना चाहिए। नहीं, नहीं बच्चों सताने मत करना, ठीक है? फिरते मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। साजिया यहाँ पर जो है एनू को नहला रही है जो कि काफी दिन से नहीं नहाई थी, इसको जो है 10-12 दिन हो गए थे नहाए हुए क्योंकि बीमार चल रही थी इसलिए। और हमारा जियान ये खेल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ मेरा खाना बन रहा है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं मसाला भून रही हूँ, इसमें प्याज टमाटर अदरक लहसुन हल्दी मिर्च मसाला नमक सब चीजें, गरम मसाला भी है। और यहाँ पर मैंने आलू उबाल के रखे हुए थे उनको तोड़ लिया है। और यहाँ पे देखिए अंडे मैंने फ्राई कर लिए हैं और उनको रख दिया है। और यहाँ पे धनिया भी काट के रख दिया है, ठीक है? और यहाँ मेरे चावल बन चुके हैं, बस मसाला भी भुनने वाला है, भुनने वाला नहीं भुने गए। तो सबसे पहले मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। ये मेरा हॉट पॉट का टूटा हुआ, मैंने कहा ये आलू तोड़ने के काम आ जाएगा। फेंकती नहीं हूँ मैं कोई भी सामान, यूज कर लेती हूँ घर में। बस अब इसके अंदर हमको डालने हैं अंडे। अब इसमें एक खद्दा लगाएंगे और मेरी सब्जी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ पर मेरी सब्जी भी बनकर रेडी हो चुकी है, देखिए बस इसमें खद्दा लगने वाला है। और ये मुझे बहुत पसंद है, अच्छी लगती है सर्दियों में आलू अंडे की सब्जी। और इसके अंदर चावल तो बता ही दिया था मैंने। और बच्चे अभी खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं कमरे में। क्या चाहिए? पानी। पानी दे दो। और आज मैंने अनु को नहलाया काफी दिन के बाद और अनु नहा के आज अच्छी लग रही है। एक पोयम सुनाओ पहले। मछली जल की लानी है,
जीवन उसका पानी है। तो मैं आ गया हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि लंच का टाइम है और बहुत तेज भूख लग रही है। साजिया खाना उतार रही है और यहाँ पर ये दोनों बच्चे जो है फुल दंगा मस्ती कर रहे हैं। इन्हें 24 घंटे दंगा मस्ती की पड़ी रहती है। इन दोनों बच्चों ने खाना खा लिया है और खाना खा के भी ये शैतानी कर रहे हैं। इनको जो है आराम करने का कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा है, इनका खेलते रहते हैं ये। और साजिया जो है खाना खा रही है, साजिया ने अपने चावल फिनिश करने वाली है और मैंने भी खा लिया, मेरे भी फिनिश हो गए हैं। अंडे बनाए थे, अंडे भी ख़त्म कर दिए। चलो तुम्हारा काम निपटा नहीं क्या रसोई का? एक शॉर्ट वीडियो बनानी है हमें। काम तो निपट गया, मैं थोड़ी सी झाड़ू लगा देती हूँ फिर उसके बाद आती हूँ, ठीक है? चलो बोलो। जोरों का गुलाम सारे जोरों के गुलाम। तो हम काफी देर से यहाँ पर शॉर्ट वीडियो अपनी शूट कर रहे थे, लेकिन साजिया ने जो है मेरा दिमाग खराब कर रखा है। ये इतना हंस रही है इसे जो है शॉर्ट वीडियो में, एक तो मेरा टाइम खराब हो रहा है वैसे, और इसे आ रही हंसी, बहुत ही दिमाग खराब होने वाली बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि सीरियस होकर कर लो काम, और साजिया को जो है हंसी आ रही है। और काफी देर हो गई मुझे शॉर्ट वीडियो बनाते बनाते, जो कि अभी तक तैयार नहीं हुई है, लेकिन जल्दी तैयार हो जाएगी। और उस वीडियो में हंसी का रीजन क्या है? हम जो भाषा बोल रहे थे ना, वो हमारे गांव की भाषा है, जो हम लोग बोलते थे, ठीक है, बोलते हैं मतलब आज भी। लेकिन ये है कि हम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत मतलब, और जहाँ मेरी शादी हुई है मतलब इनके यहाँ, इनके घर की लैंग्वेज ऐसी नहीं है जैसे कि हमारे मायके में बोलते हैं या और बाकी गाँव में बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कर रही है तुम इसमें कॉपी में? बात खत्म हो जाने दिया करो, बात काटो मत। नहीं नहीं काटने रहे, पूछ रहा है क्या कर रही है तुम, बताओ ना जरा। ये काम दिया है मैंने एनु को, एनु ए टू जेड लिखेगी यहाँ पे, ए टू जेड लिखेगी एनु। क्या पट्टी बांध रही है हाथ पे? दोस्तों मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में, क्योंकि पानी आने का टाइम हो गया, पानी आ गया है और यहाँ मैं पानी भर रही हूँ। जल्दी जल्दी से पानी भरती हूँ, किचन का काम खत्म करती हूँ और फिर मुझे अनाया को पढ़ाना है और जियान को भी थोड़ा बहुत कुछ सिखाना है, क्योंकि अभी मेरी बेटी स्कूल नहीं जाती और मैं ही उसको थोड़ा बहुत मतलब कुछ ना कुछ सिखाती हूँ। इस समय बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं इस समय जा रहा हूँ दुकान पर से अपने रूम पर, और लेकर आया हूँ थोड़ा सा सामान, ये है मेरे पास थोड़ा सा सामान। तो गाइस रात के 9 बज चुके हैं और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चों ने खाना खा लिया है और बच्चे सो गए हैं खाना खाकर, और मेरे हस्बैंड अभी आए हैं काम से और आते ही चले गए किचन में। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये किचन में क्या करने गए हैं। ना रसोईया बन रहे हो? रसोई में मैं जो है अपने घरवाले के लिए रोटी बना रहा हूँ। मैं काम पे जाता हूँ दिन में और फिर शाम को आके खाना बनाता हूँ अपने घरवाले के लिए, क्योंकि मेरी घरवाली से जो है खाना नहीं बनता। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, खाना मैंने बनाकर रख लिया था, ये खाना था निकाल मजाक। अरे ऐसे मजाक मत बनो, ऐसे मजाक मत करो, लोग सच मानेंगे। मानने के तो क्या हो गया, सच मान ले। वैसे भी लोग पता नहीं अपने घर में क्या क्या करते हैं, दूसरों को थोड़ी बताते आके, तो इसी वजह से मैं फिलहाल तो मैंने अभी कपड़े पहन रखे, तुम बिस्तर में बैठी थी, मैंने सोचा सब्जी गर्म कर दूं तो गर्म करने लगा, इसमें कौन सी। अब हाँ ये है कि वो हमने वीडियो नहीं बनाई थी, वो जोरों का गुलाम वाली। अच्छा तो वाली वीडियो पूरी करनी ना हमने भी, भूख लग रही ना इस वजह से मैंने, तुम पड़ी थी, अब मैं कर लूं। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम आए, मैं देख रही रसोई में मुझे खटपट की आवाज आ रही, कोई तो घुसा हमारी रसोई में आज। तुमने क्या खाने, चावल खाने या रोटी खानी? मैंने खानी। दोस्तों जब से जनवरी का महीना लगा है तब से जो है ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और आज तो मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही है कि मैं बता नहीं सकता। दुकान पर भी जो है हाथ पैर जो है ना सुन हो गए थे मेरे ठंड के मारे। फिर मैं वहाँ से जो है आ गया, सामान वामान लेकर आया, जो कि अभी साजिया के हाथ में है थोड़ा सा, जो कि सुबह के नाश्ते के लिए सामान रहता है, दूध वगैरह और बच्चों के लिए बिस्किट, बच्चों के लिए इसमें हाँ बिस्किट भी रहते हैं। उधर हीटर चला रखा है हमने, और दोनों बच्चे आज मेरे जो है ना मेरे आने से पहले दोनों बच्चे सो गए। चलो तो ये खाना भी लग गया है हमारा। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।